खबर बिहार के मधेपुरा से है, जहां पर सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुखासन मोड़ के पास 16 नवंबर की रात ऑटो चालक से लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसकी जानकारी हेडक्वार्टर डीएसपी मनोज मोहन ने दी। डीएसपी ने बताया कि 16 नवंबर की रात के करीबन 11 बजे सिंहेश्वर थाना के सुखासन मोड़ के पास एक बाइक सवार पर तीन अपराधियों ने एक ऑटो चालक को भय दिखाकर मोबाइल, 6700 रुपए नकदी व चाबी छीन ली थी। सूचना मिलते ही सिंहेश्वर थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश अजीत कुमार उर्फ आदित्य कुमार सदर थाना क्षेत्र के साहूगढ़ दीवानी टोला वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है। उसके पास से 6700 नगद, एक एंड्रॉइड मोबाइल और बाइक की चाबी भी जब्त की गई है। रात्रि 11 बजे सुखासन मोड़ के पास रात्रि गश्ती में निकले गश्ती पार्टी को सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन अपराध कर्मी एक टेम्पो चालक से उनका मोबाइल, पैसा और टेम्पो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, लूटने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर गश्ती पार्टी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पहुंचे और एक अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नगद 6700 रुपया, एक मोबाइल, मोटरसाइकिल का चाबी, जिस मोटरसाइकिल से वो लोग आए थे उनका चाबी बरामद हुआ। कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है इनका? हाँ, जो पकड़े गए अजीत कुमार, आदित्य कुमार, ये दीवानी टोला थाना सिंहेश्वर के रहने वाले हैं। पूर्व में भी आपराधिक इतिहास इनका है, पूर्व सक्रिय अपराध कर्मी है। इनकी गिरफ्तारी से निश्चित रूप से उस एरिया में आपराधिक गतिविधि में कमी आएगी। जो दो इनके भागे हुए साथीगण हैं उनके लिए भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अंतर जिला गिरोह से भी संबंधित होगा कुछ? वैसा अभी जांच में नहीं आया है, पूछताछ में अगर आएगा तो वो भी बताया जाएगा। मधेपुरा से आमिर आजाद की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।